बहुजन समाज पार्टी क्या कैडर से दूर हो चुकी है? 15 और 85 की लड़ाई से दूर हो चुकी है? बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी को समर्थन दी। विरोधी लोग तो आरोप लगाते हैं कि जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तो पत्थरों में पैसा खर्च कर दिया। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह चुनाव हारने के बाद भी मेहनत कर रहे थे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में। हमारे साथ में उपस्थित हैं श्रीकांत अम्बेडकर जी, जो ही बहुत तेज तर्रार हैं लखनऊ की धरती से। उनसे जानेंगे अम्बेडकर पार्क के बारे में, इनको कैसा लगता है, कैसा लगता है आपको? तो सबसे पहले संजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीमराज दस्तक की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं। आप लोग लोगों के बीच जा रहे हैं और जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आज बाबा साहब जी की 131वीं जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में आज सभी लोग आए हुए हैं। तो आप देखेंगे, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी तो उधर तक सभी लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे। और अभी हम लोग अम्बेडकर पार्क में हैं और काफ़ी शानदार काम है, जो बहुजन समाज का जो इतिहास रहा है उसको बहन जी ने जिंदा किया है। जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा थी, पेरिया, ललई सिंह यादव और जितने भी सावित्रीबाई फूले, जितने भी लोग महापुरुष थे, उनके इतिहास को कहीं ना कहीं जिंदा किया गया है। और आज यहाँ पर आके काफ़ी सुकून मिल रहा है। और ये जो बहन जी ने काम किया वो कहीं ना कहीं काफ़ी सराहनीय काम है, कि कम से कम हम लोग यहाँ बैठ कर अपने बात तो कर सकते हैं, अपने लोग यहाँ पर आके अपना टाइम तो दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। और जहाँ पर आप लोग हैं ये अपनी धरोहर है, बहुजनों की धरोहर है। विरोधी लोग तो आरोप लगाते हैं कि जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तो पत्थरों में पैसा खर्च कर दिया, और जो है आप धरोहर पे जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं उनका काम ही यही, विपक्ष का जो विरोधी हैं वो उनका तो यही काम है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो जो लोग हैं, जो इनके लोग हैं, उनका माइंडसेट कैसे डाइवर्ट करेंगे? अगर उनका माइंडसेट डाइवर्ट नहीं होगा तो उनको वोट बैंक कहाँ मिलेगा? क्योंकि जो अपना है, अपना समाज है, जो कांशीराम कहते थे 15 और 85% बहुजन समाज है, 85% बहुजन समाज है, और उनके जो लोग हैं वो 15% है, ना के बराबर। तो उनके पास कुछ लोग ही नहीं हैं। तो विरोधी लोग, आप हम लोगों को डाइवर्ट करेंगे कि ये लोग 15% लोग पत्थरों में पैसा लगाया, पैसे की बर्बादी करी, घोटाला किया, इस ये लोग अगर ये करेंगे नहीं तो अपने लोग कैसे डाइवर्ट होंगे? तो ये लोग कहीं ना कहीं जो आरएसएस की विचारधारा है, जो आरएसएस जो काम कर रहा है वो विचारधारा पर काम कर रहा है, और उस विचारधारा के जरिए लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, जिसका परिणाम आपने हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि क्या परिणाम रहा। उन्होंने जो अपने लोग थे और जो कांशीराम जी की विचारधारा थी, कैडराइट लोगों को करो, कैडराइट ना होने की वजह से जो बीजेपी है उसने पूरा बहुजन समाज का जो वोट बैंक है उसको वर्ड कर लिया अपने के तरफ, और सपा की भी पोजीशन खराब हो गई और बहुजन समाज पार्टी की भी पोजीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप कैडर की बात कर रहे थे जी, बहुजन समाज पार्टी क्या कैडर से दूर हो चुकी है? 15 और 85 की लड़ाई से दूर हो चुकी है जी? बिल्कुल दूर हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जो माननीय श्री कांशीराम जी का सपना था, माननीय श्री कांशीराम जी ने जो कैडराइट करके लोगों को तैयार किया, वाम से बनाया, और ऐसे लोगों को कैडराइट करते थे, वो लोगों के मस्तिष्क पर काम करते थे कि अगर अपने लोगों की विचारधारा बदल जाएगी तो सत्ता लाने में वक्त नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं जब तक ये चलता रहा तो बहुजन समाज पार्टी के, आपने देखा 2007 में काफ़ी शानदार पूर्ण बहुमत की सरकार आई और उसी का ये विकास है। आप चारों तरफ जहां देखेंगे आपको 2007 का बहुजन समाज पार्टी का जो है कार्यकाल याद आएगा, कानून व्यवस्था याद आएगी। आज विरोधियां भी, विरोधी लोग भी ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल काफ़ी शानदार था। तो ये इस तरह से बहुजन समाज पार्टी परास्त हुई है, केवल एक सीट पर उभरी है जी जी, और वहीं सपा वाले जो है आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी को समर्थन दी। देखिए, कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो भी इस चीज़ को समझ रही, वो भी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अपने ओर खींचने का काम कर रही, जबकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी गांवों उस जिलों के नाम रखे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उसको बदलने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी भी इस चीज़ को समझ रही कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है उसको बहकाया जाए, और उसको बहका के अपनी तरफ उन लोगों को लाया जाए, समाजवादी पार्टी को
मजबूत किया जाए, जिसमें उसने इस बार काफ़ी शानदार काम किया है। अब बहुजन समाज पार्टी उनकी चीज़ों को काउंटर नहीं कर पाई, जैसे कि समाजवादी पार्टियों ने एक बिल्कुल ट्रेंड चलाया कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा से मिली हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी ये इसका काउंटर नहीं कर पाई। इसी का परिणाम है कि बहुजन समाज पार्टी का जो 22% वोट बैंक था वो 12% वोट बैंक पर आके सिमट चुका है, क्योंकि ये लोग काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और यही काउंटर करने की टेक्निक बहुजन समाज पार्टी को सीखनी पड़ेगी, एक आईटी सेल तैयार करनी पड़ेगी जो आईटी सेल इन पर काम करे। अपने बीजेपी की जो पार्टियां हैं उनकी देखो, छोटी छोटी चीज़ों पर वो नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रहती है, अगर छोटी चीज़ है उस पर उनकी नज़र रहती है और उस पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2400 घंटे राजनीति करती है, और बहुजन समाज पार्टी की जितनी पार्टियां हैं वो जब से हारी हैं अपनी पार्टियों की समीक्षा तक करने के लिए तैयार नहीं, वो पार्टियां समीक्षा नहीं करना चाहती हैं। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी हारी है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह चुनाव हारने के बाद भी मेहनत कर रहे थे, और उनका एक बयान अभी आया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक नई पार्टी का निर्माण करेंगे, कैसा क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं जयप्रकाश जी ने काफ़ी शानदार काम किया, हमने भी सोशल मीडिया पर देखा उनका जो काम रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है जयप्रकाश जी का, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जो बहुजन समाज पार्टी जो परास्त हुई है, जो उनका वोट बैंक 22 से 12% पर आ चुका है, तो बहुजन समाज पार्टी को समीक्षा करनी होगी, और समीक्षा करने के साथ ही जो बाहर लोग हैं उनको लाना होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया बहन मायावती जी हैं, अगर वो छोटे छोटे जो नेता हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां बना के जो राजनीति कर रहे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, अगर उनको एक मंच पर लाकर उनको एक जगह बैठाती हैं, तो हमें वो दिन दूर नहीं लगते कि बहुजन समाज पार्टी फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और फिर बिल्कुल ये जो विकास है फिर ऐसे विकास होगा, उसमें सर्व समाज का भला होगा, सर्व समाज का उद्धार होगा बहुजन समाज पार्टी में, जो कि अभी तक होता आया है। तो बहुजन समाज पार्टी को, जयप्रकाश जी को, और जितने भी जो लोग बाहर हैं, अभी पार्टी से बाहर हो चुके हैं किसी न किसी राजगी की वजह से, उनको पार्टी में लाना पड़ेगा। जब पार्टी में आएगी तभी पार्टी का विस्तार होगा, तभी बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को अपनी खुद की आईटी सेल मजबूत करनी पड़ेगी। हमने देखा कि जो चुनाव टाइम था उसमें जो बहुजन समाज पार्टी की जो आईटी सेल थी उसका जो योगदान रहा जीरो रहा है, उसी का परिणाम ये है, ये जो बहुजन समाज पार्टी उसकी आईटी सेल ना होने की वजह से वो जो अपोजिट पार्टी है उनका काउंटर नहीं कर पाते हैं, और उसी का नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी को भोगना पड़ता है। और ये जो समाज के लोग देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे कट्टर अंधभक्त हैं जो बहुजन समाज पार्टी या किसी भी पार्टी के हैं उसका पक्ष रखते हैं। उनको सर्व समाज और उनको वास्तविकता क्या है उसको देखना होगा, और क्या सही है क्या गलत उनको खुद विचार करना होगा। जब वो ये इस पर विचार करेंगे तब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी या जितनी भी बहुजन समाज पार्टियाँ जो बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं वो बढ़ेंगी और उनकी सत्ता आएगी। आपने देखा कि कहीं भी बहुजन समाज की कोई भी पार्टी इस समय सत्ता में नहीं है, और अगर बहुजन समाज पार्टी या जो बहुजन समाज की पार्टी है अगर विचारधारा पर काम करेंगे तो वो बिल्कुल सत्ता में आना उनका तय है। जैसे तमिलनाडु की सरकार एमके स्टालिन काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं, एमके स्टालिन जो है विचारधारा पर काम कर रहे हैं, पेरियार की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी विचारधारा से वो अपने लोगों को मजबूत कर पाए हैं, इसीलिए आज तमिलनाडु में उनकी सरकार है। और उन्होंने जो अभी हाल ही में उन्होंने 5% रिजर्वेशन भी दिया है गरीब बच्चों को, जो सरकारी स्कूल है उनको नौकरियां, जो सरकारी स्कूल से लोग पढ़ के जाएंगे उनको नौकरी दी जाएगी तमिलनाडु सरकार एमके स्टालिन की।